गर्मियों के मौसम में हर किसी को कुछ ठंडा खाने को या पीने को मन करता है, जिससे दिमाग जो है बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ 6 तरह की मिल्क शेक की रेसिपी, जो अलग अलग फ्रूट से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वाटरमेलन का मिल्क शेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने वाटरमेलन के सभी पल्प को इस तरह से निकाल लिए हैं और कुछ को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है बाकी हमने बड़े बड़े पीसेस निकाल लिए हैं। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये मैंने वाटरमेलन की कटिंग वाली वीडियो डाली हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं। लिंक यहाँ पे ऊपर में दिया गया हुआ है। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस इसके कट कर लिए हैं और अब हम इस बड़े वाले फ्रूट में से सभी बीजों को निकाल लेंगे। अब हम इन सभी फ्रूट को मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बर्फ का टुकड़ा और अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध। तो दूध यहाँ पर हमने ठंडा दूध लिए हैं, इसे हमने फ्रिज में उबाल करके रख दिए थे, तो ये पूरी तरह से ठंडा है। और अब हम इसे ग्राइंड करके 1 गिलास लेंगे और ग्लास में हम थोड़ा सा, ये देख सकते हैं, जेली हमने 1 चम्मच इसमें इस तरह से ग्लास के किनारों पे डाल देंगे, जिससे ग्लास में जो है बाहर से दिखने में भी ये सुंदर लगेगी और ये इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा जब हम ये मिल्क शेक को पियेंगे। तो और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बर्फ़ का टुकड़ा और ये जूस को हम इसमें डाल देंगे। ऊपर से जो हमने बारीक तरबूज जो हमने काट करके रखे थे उसे हम इस तरह डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे वनीला आइसक्रीम। तो अगर आइसक्रीम आपके पास नहीं हो, तो मेरे पास भी नहीं थी, मैंने तुरंत ही व्हिप करके ये डाली थी व्हिपिंग क्रीम और इसका टेस्ट भी बिल्कुल उसी तरह से आता है, तो मैंने यहाँ पे वही डाल दी हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मैं ये जेली है वो भी इस पर हम डाल देते हैं, जिससे ये दिखने में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ऊपर से हम थोड़ा सा तरबूज जो बारीक कटे हुए वो और हम डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा वाटरमेलन मिल्क शेक जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से तरबूज के टुकड़े को ग्लास में लगा दिए हैं। तो अब हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 6-7 बनाना लिए हैं पके हुए और इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। 4 हमने बादाम डाले हैं और 2 इलायची डालेंगे छील करके। 2 चम्मच हम घर की ताज़ी मलाई डालेंगे और 1 गिलास हम ठंडा ठंडा दूध लेंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम चीनी डालना यहाँ पे भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसमें चीनी डाल करके इसे भी मिला लिए हैं और इसके बाद हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मिल्क शेक जो है बनकर रेडी है और इसे भी हम ग्लास में इस तरह से डाल लेंगे। और जैसा कि मैंने इसमें चीनी डालना भूल गई थी, तो इसमें हम चीनी पाउडर जो है यहाँ पर डाल रही हूँ और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बनाना मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम तीसरा जूस तैयार करेंगे अंगूर से। तो यहाँ पर हमने लगभग 100 ग्राम अंगूर लिए हैं, इसे हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं और अब हम इसे डालेंगे मिक्सी जार में और 2 बर्फ का टुकड़ा डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और 2 चम्मच हम घर की ताज़ी मलाई डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, जिससे इसका कलर जो है अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें भी ठंडा ठंडा 1 गिलास दूध डालेंगे और ग्राइंड करके हम इसे बर्तन में निकाल लिए हैं और अब हम इसे ग्लास में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कांच का ग्लास लिए हैं और इसमें हमने डाल दिए हैं 2 बर्फ़ का टुकड़ा और ग्रीन कलर के जेली से हमने किनारे पे इस तरह से सजा दिए हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम। इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए अंगूर से सजा देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है जेली भी डाल देंगे, जिससे दिखने में खूबसूरत लगे।
और दो अंगूर से हमने इस तरह इसे सजा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये अंगूर का मिल्क शेक भी बनकर रेडी है। और अब हम बनाएंगे कीवी मिल्क शेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो कीवी को छील करके बारीक इस तरह से कट कर लिए हैं और अब हम इसे भी डालेंगे मिक्सी जार में। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, 2 बर्फ का टुकड़ा और इसके बाद हम इसमें भी ठंडा दूध 1 गिलास डालेंगे और इसे भी हम ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ग्लास में पहले ग्रीन कलर वाले जेली से, आप देख सकते हैं इसमें कुछ हम अलग कर रहे हैं और इस तरह से जब भी हम करते हैं तो अलग अलग डिजाइन से इस ग्लास को हम, आप देख सकते हैं कि डेकोरेट करते हैं, जिससे आपको हर एक जो मिल्क शेक हमने बनाई है सभी में एक अच्छा सा फ्लेवर देता है और दिखने में अच्छा लगता है। और जब दिखने में अच्छा लगता है और पीने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो जूस हमने इसमें डाल दिए हैं और इसके बाद भी हम इसमें थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं और थोड़ा सा क्रीम हम इसमें भी डाल दे रहे हैं। और क्रीम डालने के बाद हम इसमें भी बारीक कटे हुए जो कीवी है उससे हम इसे डेकोरेट कर देंगे। थोड़ा सा हमने ऊपर से इसमें भी जेली डाल दिए हैं और एक स्लाइस से इस तरह हमने गिलास के किनारे पे लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कीवी मिल्क शेक भी बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे पपीते का मिल्क शेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए पपीते लिए हैं, इसे हम डालेंगे मिक्सी जार में। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इसके बाद हम डालेंगे 3-4 बादाम और अब हम इसमें डालेंगे 1 इलायची और 1 गिलास हम इसमें ठंडा दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बर्फ का टुकड़ा और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कांच का ग्लास लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज कलर की जेली और इसे भी हम इसे ग्लास को डेकोरेट कर देते हैं जिससे कि ये दिखने में खूबसूरत लगे। और इसमें हम डाल देंगे 2 बर्फ का टुकड़ा और सब थोड़ा सा हम डालेंगे बारीक कटे हुए पपीता और इसके बाद जो हमने मिल्क शेक तैयार करे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से भी हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटे हुए पपीता और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे हम डेकोरेट कर देंगे। और अब हम एक पपीते का स्लाइस लेकर के ग्लास पर इस तरह से तिकोने हमने लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पपाया मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आम ले लिए हैं और इसे हम इस तरह कट करके इसके हम सभी पल्प को निकाल लेंगे। और अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम सभी पल्प को इस तरह डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसमें हम डालेंगे 2-3 बर्फ का टुकड़ा और इसके बाद हम इसमें भी 1 गिलास ठंडा दूध डाल करके इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम इसे डालेंगे ग्लास में थोड़े से बारीक कटे हुए मैंगो पल्प और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 बर्फ का टुकड़ा और अब डाल देंगे जो हमने मैंगो मिल्क शेक तैयार करे हैं सो, और इसके ऊपर से भी हम डाल देंगे बारीक कटे हुए मैंगो पल्प और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता बारीक कटा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मैंगो मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सबसे अच्छी आपको कौन सी मिल्क शेक लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हम इसी तरह की और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।